नमस्कार, मैं विद्या अनुष्का। किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाट सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी को चाट पसंद है। और हिंदुस्तान में तो कई सारे चाट हैं। और हिंदुस्तान के चाट की एक खासियत होती है कि ये बिल्कुल भी हेवी नहीं होता। वैसे देखा जाए तो ये पेट के लिए, हाजमे के लिए पाचक ही होता है। आज ऐसा ही एक चाट मैं लेके आई हूँ, दही पापड़ी चाट। बहुत ही स्वादिष्ट चाट है। तो चले दही चाट बनाना हम शुरू करते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब हम देखेंगे। पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने सेवपूरी की जो पापड़ी होती है वो पापड़ी ली है, एक कड़क वाली पापड़ी। 200 ग्राम दही लिया है मैंने। दही को मैंने शक्कर डाल के अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल भी लम्स ना होना चाहिए दही में। और दही हमें ताज़ा लेना है। बारीक सेव ली है मैंने एक कटोरी भर के। दो मध्यम आकार के आलू मैंने उबाल के छोटे छोटे पीसेस में काट के रखे हैं। एक काला नमक है, एक बड़ा चम्मच। इमली की चटनी है, धनिया पत्ता, एक बड़ा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर है, एक पुदीने की चटनी है, एक मध्यम आकार का प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अब हम पापड़ी चाट बनाना शुरू करते हैं। एक प्लेट में दही दूंगी, फिर पापड़ी को क्रश करके डालना है। देंगे आलू, आलू अपने पसंद अनुसार। देंगे प्याज, प्याज भी अपने पसंद अनुसार। हल्का सा नमक देंगे, काला नमक भी जाने वाला है इस कारण से। पुदीने की चटनी अपने स्वाद अनुसार, इमली की चटनी वो भी पसंद अनुसार, जैसे जैसे पसंद हो उस तरह से। रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से बहुत ही सुंदर दिखती है। चुटकी भर काला नमक, काला नमक से स्वाद बहुत ही उभर आता है। देंगे धनिया पत्ता, थोड़ा सा धनिया पत्ता हमें दोबारा देना है। और देंगे सेव, और फिर से धनिया पत्ता। और हमारी पापड़ी चाट बनके तैयार है। क्यों जी, देखते देखते मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल, आप ये चाट जल्द से जल्द अपने घर पे बनाएं। आपको अच्छी लगती है रेसिपी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल अनुष्का's किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।